गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम आपको कल जो हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आप लोगों को डिफ्यूजन के बारे में बताया था, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन, किस तरीके से मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, उसके बारे में हमने बताया था आपको। आज हम सेकेंड स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सब्सटेंस कौन है? वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट सब्सटेंस from the lower concentration of a solute to higher concentration of a सोल्यूट, ठीक है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो मूवमेंट होती है, ठीक है। किस चीज की मूवमेंट होती है? सॉल्वेंट की मूवमेंट। वो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जहां पर सोल्यूट कम है उस कम सोल्यूट से सॉल्वेंट मींस वाटर की मूवमेंट होती है ज्यादा सोल्यूट की तरफ, जहां पर कंसेंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा है, और ये पॉसिबल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर के लिए तो परमेबल मेम्ब्रेन है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रही है, बट सोल्यूट को वो ट्रांसपोर्ट नहीं करने दे रही। इट्स मीन्स वो सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल होगी। इसलिए इस मीडियम के बेस के ऊपर अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहां पर जो हम मेम्ब्रेन काउंट कर रहे हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आपने देखा होगा ऑस्मोसिस के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डेली लाइफ के अंदर, जैसे सॉल्विंग ऑफ द रेजिन। आप लोग घर पे हलवा बनाते हो, उसमें किशमिश डालते हो, तो किशमिश को हलवे बनाने से पहले उसको पानी में डिप किया जाता है ताकि वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, और जो वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर उसने ऑस्मोसिस प्रोसेस के बेस के ऊपर एब्जॉर्ब किया है। अब अगर हम मान लीजिए इस चीज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं इसके लिए, तो हम यहां पर एग्जाम्पल देते हैं आपको पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक है ना। इसका पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या है? ये हमारी अपनी बनाई हुई एक डिवाइस है, मतलब आप अपने घर पे बना सकते हो इसको आसानी से। आपने क्या करना है, आलू को लेना है और उसको एक स्पेसिफिक एक बड़ा सा आलू जो है उसको लेके आपने उसको एक कैविटी में काट देना है, यानी इस तरीके से उसकी एक कैविटी बना लेनी है आपने, ठीक है ना। इस तरीके से आपने एक कैविटी बना लेनी है, ये पोटैटो है, ठीक है। तब इसके बाद आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। अब इस पोटैटो को आपने कहाँ रखा? इस पोटैटो को आपने पैट्री डिश में रखा, ठीक है। यहाँ पर पैट्री प्लेट है हमारे पास, उस पैट्री प्लेट में या पैट्री डिश है हमारे पास, उसमें इसने हमने पोटैटो को रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने पोटैटो को इसमें रख दिया और पोटैटो में हमने क्या किया, सॉरी पैट्री प्लेट में हमने क्या किया, वाटर डाल दिया, ठीक है। इसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, यहाँ पर वाटर है हमारे पास, यहाँ पर ये है वाटर, ठीक है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाया। वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है हमारे पास है, उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हमने कहाँ रखा, हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को इस
पोटेटो ऑस्मोमीटर यानी जो स्पेशल कंडीशन हमने बनाई है, इस पोटेटो ऑस्मोमीटर के अंदर हमने उस वाटर को एंटर कर दिया। जब हमने वाटर को यहां पर एंटर किया तो उस वाटर को हमने एक सर्टेन मार्किंग प्रोवाइड कर दी, मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट तक हमने वाटर को डाला इसके अंदर, ठीक है ना। हालांकि ये वाटर ना का इसको सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। क्या कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस प्लेट में क्या है? नॉर्मली सिंपल वाटर है, तो वाटर यहां पर किस चीज का काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। ये हमने जो पार्ट लिया है ये क्या है? इसको हम पोटेटो पोटेटो ऑस्मोमीटर के नाम से बोल सकते हैं, पोटेटो ऑस्मोमीटर, ठीक है। ये हमने मार्किंग के लिए एक पिन लगाई है, ये मार्किंग के लिए क्या लगाया हमने? पिन लगाई, ऑल पिन लगाई है। अब हम क्या देखते हैं आफ्टर सम टाइम में, जो ये वाटर है, ये वाटर इस पार्टिकुलर पोटैटो के अंदर से यहां से कंसंट्रेशन वेरिएशन के कारण, मतलब समझ रहे हो ना आप, कंसंट्रेशन वेरिएशन के कारण यानी बाहर जो वाटर है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और अंदर जो सोल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है, तो इस कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर मूवमेंट हुई। अब मूवमेंट कहां से हुई? बाहर से वाटर आलू के अंदर चला गया, मतलब आलू की जो कैविटी बनी हुई है, पोटैटो ऑस्मोमीटर की जो कैविटी है उसके अंदर वाटर एंटर करता है और कुछ टाइम बाद जो वाटर का लेवल है इस पोटैटो ऑस्मोमीटर के अंदर, मतलब इस कैविटी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। वो लेवल इंक्रीज हो जाता है और जब लेवल इंक्रीज होता है तो नेक्स्ट क्लिप हमने देखी आफ्टर सम टाइम्स, तो यहां पर इस मार्किंग के ऊपर ये फाइनल कंडीशन बन जाती है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, तो इसके बीच में एक स्पेसिफिक गैप मेंटेन हो जाता है। ये गैप जो है ये किसके कारण हुआ है? वाटर की एंट्री के बेस के ऊपर, यानी इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर पेट्री प्लेट के अंदर से सिंपल विदाउट कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ द सोल्यूट वाटर एंटर इनटू द पोटैटो कैविटी ड्यू टू वेरिएशन इन द सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब लो कंसंट्रेशन है, और पोटैटो मीटर जो पोटैटो की कैविटी प्रेजेंट है उस कैविटी के अंदर वाटर की अमाउंट और सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है, मीन्स सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो बाहर से वाटर एज ए सॉल्वेंट एंट्री करेगा किसके अंदर? मीटर के अंदर, और वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा हम और भी एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं इसके लिए, और एक्सपेरिमेंट हम कैसे शो कर सकते हैं देखिए, उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है। अगर हम गोट गाल ब्लैडर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास शिथिल फनल है, ठीक है ना, शिथिल फनल है, इस फनल को लिया हमने और गोट गाल ब्लैडर को यहां पर इसमें लगा दिया, बांध दिया यहां पर, ठीक है, यहां पर बांध दिया हमने इसको, ठीक है। अब इस फनल को हमने कहाँ रखा? इस फनल को हमने रखा रियोस्टेट कंडीशन में, ठीक है ना, यहाँ पर रियोस्टेट कंडीशन में रखा इसको, और इस पूरे सिस्टम को हमने एक प्लेट में रख दिया, मतलब पैटरी प्लेट में रख दिया, यहाँ पर हमने एक पैटरी प्लेट लगा ली इसके अंदर, ठीक है, इस पैटरी प्लेट में रखा और इस पैटरी प्लेट के अंदर हमने क्या किया? वाटर डाल दिया, ठीक है, इस पैटरी प्लेट के अंदर हमने क्या किया? वाटर डाल दिया, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है ये सॉरी ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वाटर है हमारे पास, यहाँ पर क्या है? वाटर। तो वाटर तो सॉल्वेंट का काम करता है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और इस पार्टिकुलर फनल के अंदर हमने इसमें हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहले से, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम, वो सॉल्यूशन हमने डाल रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन हमने डाल रखा है इसके अंदर, ये हमारे पास है। तो ये लेवल था हमारे पास इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल, ठीक है, इनिशियल लेवल है। आफ्टर सम टाइम ये वाटर है, ठीक है ना, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, इसमें हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन है। तो यहां से क्या होगा? वाटर एंट्री करेगा यहां रियोस्टेट के थ्रू, इसमें से यहां पर वाटर जाएगा और इसमें वाटर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब यहां पर भी वही बात है कि वाटर की जो मूवमेंट हुई है, ठीक है ना, वाटर की जो मूवमेंट है वो किसके बेस के ऊपर हुई? ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर, यानी इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर वाटर प्रेजेंट है, उसमें सोल्यूट नहीं है,
यहां पर जो वाटर है उसके अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई है, इट्स मीन्स लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट वाटर की मूवमेंट हुई, जिसके कारण यहां से वाटर का लेवल यहां तक इंक्रीज होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ सोल्यूशन बताते हैं हम आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन तो तीन टाइप के हैं। नंबर वन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ए सोल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेल। जिस सेल को हम वाटर उस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं वहां पर सेल सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जो सॉल्यूशन बनाया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेल, सेल की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। और थर्ड है हमारे पास हाइपर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स ए सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन इज हाई हायर देन द सेल, जो सेल हम उसके अंदर पुटअप करते हैं उस सेल के कंपेरिजन उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब ये तीनों टाइप के सोल्यूशन है वो अलग अलग मदद करते हैं। अगर मान लीजिए किसी एनिमल सेल्स को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो सेल की कंसेंट्रेशन से लो है, इसलिए बाहर से वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, एंडोसाइटोसिस करेगा, अब एंडोस्मोसिस करेगा। ऐसी सिचुएशन के केस में सेल जो है एनिमल सेल्स, क्योंकि उसमें सेल वाल नहीं होती, वो ब्रश हो जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा सेल की शेप के अंदर, जबकि हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा, अगर हम सेल को रखते हैं तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और तो सेल के अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बेटा और पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट